अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूँ आपका हमारी चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ, जिसका टाइटल नेम है हाउ टू लर्न कुरान विथ तजवीद। हाउ टू लर्न रीड द कुरान विथ तजवीद। नाजरीन, आज हमारा पार्ट नंबर है 138वां पार्ट। पहले 137 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी लगभग तकरीबन एक महीने के ऊपर वक्त बीत चुका है, ठीक है, कुरान पाक की वीडियो का। तो माफ़ी चाहता हूँ इतने दिन गैर हाजिर रहने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करके ही जाना, ठीक है, और बेल वाला जो आइकन है उसको भी ऑल पर सेट कर देना। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अब इसी तरह रेगुलर वीडियो आएगी, बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहे ताकि मेरा दिल भी चाहे कितना भी काम क्यों ना हो लेकिन मैं वीडियो बनाऊँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं। बस आप लोग दुआ फरमाते रहिए। चलिए आज की जो वीडियो हम उसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये तीसरा पारा है, ठीक है, पारा नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है, और रुकू नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी रुकू अभी हमारा चल रहा है 11, ठीक है, 11 रुकू, रुकू नंबर 11th चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे 10 रुकू कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 11th भी कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल तीसरा पारा भी अब मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए जो आज की वीडियो हम उसको शुरू करते हैं। لا يتخذ पहले तो ये लाम अलिफ ज़बर ला, ये अलिफ मद्दा है, ठीक है, ये क्या है, अलिफ मद्दा है। जो लोग मदनी कायदा नहीं पढ़े ना उन्हें ये इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये चीज़ क्या है। तो ये अलिफ मद्दा है, मदनी कायदे का लेसन नंबर 17 या फिर 17 या 17 है, ठीक है, तो वो लेसन में हुरूफ़ मद्दा का बयान दिया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। और हाँ, अब आप वीडियो देख ही रहे, मैंने मदनी कायदे की बात कर ली है, तो सुने अब मदनी कायदा हमारा भी एक सीरीज़ हमारी शुरू थी, ठीक है, अभी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, आगे जाके। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे वहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं, तो आप जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट आप मेरी चैनल विज़िट कीजिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट आप सारे के सारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको जो पसंद आए शायद आपके काम की चीज़ वहाँ पर मिल जाए। तो मदनी कायदे का तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी सीरीज़ देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है, वो सीरीज़ तो आप देख लीजिए। चले हम आगे बढ़ते हैं। लाम अलिफ ज़बल्ला, ठीक है, तो ये अलिफ मद्दा है, ठीक है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ला यत्तखिज़िल, अब यहाँ पर क्या है, ता है, ता पर एक ज़बर है और एक कोई छोटी कोई शक्ल है जो कि काफ़ी लोगों को ये शक्ल पता नहीं होगी कि इसे कहा क्या जाता है, तो ये तशदीद है, तशदीद, ठीक है, क्या है, तशदीद है। तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, जिस हर्फ पर तशदीद आ जाता है उसे मुशद्दद कहते हैं, और मुशद्दद हर्फ को दो मरतबा पढ़ा जाता है, कितनी मरतबा, दो मरतबा, एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। देखिए टाइम ज़्यादा होगा और आयत कम होगी, ठीक है, पढ़ाऊँगा कम क्योंकि इस तरीके से समझाने में फिर वक्त ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, तो आप देखते रहे और कमेंट करके बताएं जो आपका सजेशन हो आपका, तो मुझे कमेंट करें कि वीडियो किस तरीके से बनाऊँ, क्या है, कितने मिनट की बनाऊँ, आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करें, ठीक है। ला यत्तखिज़िल, तखिज़िल, ज़ाल को लाम से मिला देना है, मुमिनीना, अब यहाँ पर देखिए मुमिनीना, हमज़ा साकिना, साकिन क्या है, साकिन किसे कहते हैं, देखिए ये
पहले तो वाव है, वाव को पढ़ा नहीं जाएगा, वाव सिर्फ लिखने में आया है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, यहाँ पर हमज़ा पढ़ा जाएगा। और हमज़ा क्यों इस तरीके से पढ़ा जाता है, देखिए हमज़ा पर क्या है, एक छोटी सी शक्ल बनी हुई है जिसे कहते हैं जज्म, जिसे क्या कहते हैं, जज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जज्म है वो जिस हर्फ पर आ जाती है उसे साकिन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे साकिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमज़ा साकिना है, और हमज़ा साकिना को पढ़ने का भी एक तरीका अलग से दिया गया है। हमज़ा साकिना को पढ़ने का तरीका है कि जब भी हमज़ा साकिना को पढ़े तो उसमें झटका देकर पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, उसमें झटका देकर पढ़ेंगे, ठीक है। मुमिनी मुमिनून मुमिनून में शायद दो तीन मरतबा या मुमिनीन या फिर कुछ पिछले बोल चुका हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मुमिनून है, मुमिनूनल काफिरीना, मुमिनूनल काफिरीना। देखिए मैंने यहाँ अलिफ मद्दा बताया था, ये दूसरा एग्जांपल है इसका, वाव मद्दा, ठीक है, तीन हरूफ है मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, और तीसरा भी आगे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पड़ेंगे, नून को लाम से मिला देना है। काफिरीना, काफ को कितना, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लेसन नंबर 7 में हुरूफ मद्दा के बारे में बताया जाता है, तो इसी तरीके से लेसन नंबर 8 में, मदनी कायदा का लेसन नंबर 8 जो है उसमें खड़ी हरकात के बारे में बताया जाता है। खड़ी हरकात भी एक ऐसी हरकात है जिससे एक अलिफ के बराबर हुरूफ को खींचना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो पार्ट्स भी देख लीजिए, आप पिछली वीडियो है, और इंशाल्लाह जल्द मैं कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनकी लिंक्स भेज दूंगा, ठीक है, यानी वहाँ पर दे दूंगा, आप जाके अच्छी तरीके से देख लेना। काफिरीना, काफिरीना, ठीक है, यहाँ पर तो एक अलिफ के बराबर खींचना है। फिर यहाँ पर देखें, ये रॉ या जेर्री, यहाँ पर या मद्दा है, अलिफ मद्दा हो गया, वाव मद्दा हो गया, और ये या मद्दा हो गया, ठीक है, ये तीनों का एग्जांपल हो गया। इन तीनों को एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। औलिया, ठीक है। अब इसको देखें, अब इसको पढ़ना किस तरीके से, इसको ये मद मुत्तसिल है, मद जो होते हैं ना, ये मद, इनके कुछ अकसाम निकलते, कुछ टाइप्स के मद होते, अलग अलग टाइप के मद होते, तो ये 7 इसकी ये 6 टाइप के मद होते, ठीक है। एक मद मुत्तसील होता है, मद मुनफसील होता है, मद लाजिम होता है, मद लीन लाजिम होता है, मद आरिज होता है, और मद लीन आरिज होता है, ये टोटल 6 किस्म है, ठीक है। इसकी ये इसके कितने टाइप्स है, 6 है, ठीक है। औलिया, तो ये पहली किस्म है, ये पहली टाइप है, यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलिम में, औलिया, इसको दो ढाई या चार अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। मद का भी सबक हो चुका है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। मियादूनिल्लाही, मियादूनिल्मुमिनीन, मियादूनिल मुमिनीन, नून साकिन है, नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन, आप शायद तनवीन जानते होंगे, तनवीन कैसे कहते हैं, तनवीन इस तरीके से आता है, दो जेर, दो पेश और दो ज़बर, ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं, ठीक है। जिस हर्फ पर तनवीन आ जाए उसे मुनवन कहते हैं। तो तनवीन और नून साकिन के कुछ कवायद बयान किए गए हैं, ठीक है, लिखे गए किताबों में, तो उसके चार कवायद निकलते, कितने, इजहार, इकफा, इदगाम, इकलाब। तो उसमें भी बहुत, अभी चैप्टर हो बहुत बड़ा है, तो मैं आपको यहाँ पर जो यहाँ हो रहा है कायदा वो आपको मैं बता देता हूँ। नून साकिन के बाद दाल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से तनवीन हो, तो तनवीन के बाद वाला हर्फ देखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कायदा निकालेंगे तो इसके बाद वाला हर्फ देखें, तो ये वाला नहीं, ये वाला देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद वाला हर्फ दाल है, दाल ये हुरूफ इकफा में से आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इकफा का कायदा होगा, तो हम यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ना है। इकफा के मीनिंग होता है छुपाना, इकफा के मीनिंग होता है छुपाना। मियादूनिल मुमिनीन, मुमिनीन, यहाँ पर देखिए वक्फ की हालत में मद्दे आरिस का कायदा हो रहा है, क्यों मद्दे आरिस, ये जो मैंने बताया आपको टाइप ऑफ मद, टाइप्स ऑफ मद, ठीक है, उसी में से एक ये किस्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य आरिज हो रहा है, मध्य आरिज क्यों, हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरिज, यानी सुकून आरिज उससे कहते हैं जो वक्फ की वजह से साकिन हो जाए। अब यहाँ पर हरूफ मद्दा है, लेकिन आप बोलेंगे सुकून आरिज कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये नून है, ठीक है, नून पर क्या है, ज़बर है, तो ज़बर होने की वजह से ये जो नून है वो साकिन हो जाएगा, क्यों, वक्फ की वजह से, ठीक है, वक्फ की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगा, लेकिन ये साकिन लिखा तो नहीं है ना, तो इसलिए सुकून आरिज, सुकून आरिज यानी जो किसी वजह से हो, इसका कोई रीजन हो, ठीक है, या मैं आपको बता दूं। फिर आगे चले, वमन यफअल ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا,
तकू मिन हुम तुका वमन यफअल। नून साकिन के बाद देखें यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर इकफा का कायदा हुआ, ठीक है, यहाँ पर नून साकिन के बाद दाल आ गया। हरूफ इकफा टोटल 15 है, वो भी आपको याद कर लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद आ गया, या ये हरूफ यर मलून में से, तो यहाँ पर इदगाम का कायदा हुआ। कौन सा कायदा होगा? इदगाम का कायदा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वमन यफअल वमन यफअल ज़ालिका फलैस मिनल्लाह फलैस, यहाँ पर देखिए यालीन है, तो यालीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है? नरमी से मारूफ पढ़ना है। फलैस, तो यालीन, ये यालीन और वावेलीन, ये दो हरूफ लीन है। हरूफ लीन के मीनिंग होता है हल्का, ठीक है, क्या होता है? थोड़ा हल्का पढ़ना, नरमी से, ठीक है, हल्का बोलूँगा, नरमी से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ना है, ठीक है। फलैस मिनल्लाही मिनल्लाही, अब ये देखिए अल्लाह कलाम कैसी एक कलाम है कि जो कभी पूर और कभी बारीक होती है। क्या होती है? अल्लाह कलाम कभी पूर और कभी बारीक होती है, तो यहाँ पर अल्लाह कलाम पूर होगी क्योंकि अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है, और अगर ज़ेर होता तो अल्लाह कलाम बारीक होगी, बारीक होती, ठीक है, और अगर पेश होता तो भी अल्लाह कलाम पूर होती, क्योंकि आप याद रखें ज़बर और पेश आ जाए अल्लाह कलाम से पहले तो अल्लाह कलाम पूर, और ज़ेर आ जाए तो अल्लाह कलाम बारीक होगी। फ़ी शैइन इल्ला, हमने यहाँ पर इकफा देख लिया, ठीक है, यहाँ पर इदगाम देख लिया। अब यहाँ पर हमें एक नया कायदा पता चलेगा कि तनवीन के बाद हमज़ा है, ठीक है, तनवीन के बाद हमज़ा गया तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इजहार होगा। क्या होगा? हमज़ा ये हरूफ हल्की में से, तो यहाँ पर क्या होगा? इजहार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गुनाह नहीं करना है। इल्ला तत्तकू, अब यहाँ पर देखें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मद मुत्तसिल, क्योंकि हमज़ा इसी कलमे में, लेकिन यहाँ हरूफ मद है उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर होगा मद मुनफसिल। क्या होगा? मद मुनफसिल। अ तत्तकू, नून साकिन के बाद ता गया तो यहाँ पर भी इदगाम हो इकफा होगा, ठीक है। तत्तकू, यहाँ पर भी हमें गुन्ना करके पढ़ना है। मिन हुम तुका, नून साकिन के बाद आ गया तो यहाँ पर इजहार होगा, और मीम साकिन के भी कुछ कवायद होते हैं, ठीक है, ठीके? तो उसमें किस तरीके से यहाँ एक होता है इजहार शफ़ी, एक होता है इदगाम शफ़ी, और होता है इकफा शफ़ी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए, जैसा कि यहाँ पर ता आया है, न बा है न मीम है, तो यहाँ पर क्या होगा? इजहार शफ़ी होगा। अब आखिर में आ जाए तुकोह, तो यहाँ पर देखें यहाँ दो गोलता है, इसको क्या कहते हैं? ता दो तरह की होती है, एक इस तरीके से सीधी ता होती है और एक गोलता होती है, ठीक है। तो ये गोलता है, ये वक्फ की हालत में आखिर में आ जाए ना, कहीं आखिर में आ जाए और हमें वहाँ पर वक्फ करना हो तो उस पर चाहे कोई भी हरकत हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है? हाय साकिना से बदल देना है, ठीक है। ये किस 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 को मालूम थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया तो अल्लाह के नाम क्या होगी? पूर होगी। कुमुल्लाहु नफ्सह, उल्टा पेश है तो इसको भी साकिन कर देना है, ठीक है। कुमुल्लाहु, मैंने आपको जैसे बताया था कि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ जाए तो अल्लाह के नाम पूर होगी, और यहाँ पर देखें अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया तो भी यहाँ भी अल्लाह के नाम बारीक होगी, ठीक है। वइलल्लाहिल मसीर, यहाँ भी अल्लाह के नाम पूर होगी। मसीर, सौद को पूर पढ़ना है, ठीक है, और रौ को साकिन करके मद आरीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? मद आरीज़ होगा, तो यहाँ पर कितना तीन अलिफ जैसा हमें खींच कर पढ़ना है, ठीक है। अब आप इतनी वीडियो रखता हूँ, अभी 13-14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ठीक है, और आप लोग शायद कोई बेचारे कुछ ऐसे होते हैं ना जो कुरान पाक सीखने के लिए टाइम निकालते हैं और इतनी वीडियो बनाओ, तो आप इतना देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि और भी लंबी बनाओ या ना बनाओ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखते कितने हैं, कितना देखते हैं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ल उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे आप कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, काफ़ी लोग मेरा नंबर वगैरह मांगते हैं, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाइए,
टॉकिंग ऑफ इस्लाम, वहाँ पर भी आप सर्च करेंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी गई है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है चैनल आईडी, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं और हमारा जो लोगो है वो लोगो भी आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। और आइए और अपना सजेशन ज़रूर दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।